क्या आप भी चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन में DSLR की तरह फोटोज आए? तो आपको दोस्तों आज मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप DSLR फोटोज कैप्चर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। जी हां दोस्तों, आपको मिलेंगे यहां पर बेस्ट कैमरा एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड और बेस्ट कैमरा एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड, जिनकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में बड़े ही आसानी से DSLR की तरह फोटोज कैप्चर कर पाएंगे, वो भी बड़े ही आसानी से। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों पहले नंबर के एप्लीकेशन की। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर के एप्लीकेशन का नाम है Kodacam। जी हाँ दोस्तों, ये Kodacam एप्लीकेशन जो आपको नाम की तरह कूड़ा लग रहा है, बट दोस्तों ये कूड़ा नहीं है, ये एप्लीकेशन इतना यूजफुल एप्लीकेशन है आपके लिए जो आप मैं बता नहीं सकता। इस एप्लीकेशन की मदद से आप बेसिकली कई सारे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि आपको ट्राई करना जरूरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सेकंड नंबर के एप्लीकेशन की, जिसकी मदद से दोस्तों आप वीडियोग्राफी भी काफ़ी आसानी से और काफ़ी स्मूथ तरीके से कर लेने वाले हो। दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों ओपन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ओपन कैमरा यूजुअली हम यूज़ करते हैं व्लॉगिंग के लिए, बट दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके पिक्चर क्वालिटी की तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड इनहेंस क्वालिटी देने वाला है ये आपको। जी हाँ दोस्तों, ओपन कैमरा इज़ द बेस्ट कैमरा एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड। यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और मैनुअल मोड्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अपने तीसरे एप्लीकेशन की, जिसका नाम है दोस्तों कैमरा MX। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैमरा MX की। अगर आप सोच रहे होंगे ये MX प्लेयर या फिर MX कुछ का प्रोडक्ट है, तो नहीं दोस्तों, कैमरा MX एक यूजुअली काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है वीडियोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी के लिए। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि आप फोटोग्राफी के लिए ही यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपको यूज़र एक्सपीरियंस देने वाला है कैमरा MX। और यहाँ पर जो फिल्टर्स देखने को मिलते हैं आपको, जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, ये दोनों एप्लीकेशन से ज्यादा अच्छी मिलती है, यानी कि जो पहले दो एप्लीकेशन के बारे में जहां मैंने बताया था। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आपको तीसरे एप्लीकेशन यानी कि कैमरा MX के लिंक के बारे में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ चौथे एप्लीकेशन की। जी हाँ दोस्तों, चौथा एप्लीकेशन यूजुअली बोनस एप्लीकेशन है और यहाँ पर इसकी कुछ और भी फीचर्स हैं। ज़्यादातर लोग अगर आप जानते होंगे इस एप्लीकेशन के बारे में, तो दोस्तों इसका नाम है स्नैपसीड। अगर जिनको पता है तो उनके लिए तो ठीक, जिनको नहीं पता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन इतना ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप फोटो कैप्चरिंग, वीडियोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग छोड़कर आप फोटो एडिटिंग तो कर ही सकते हैं। यहां पर इसको आप जो क्वालिटी मिलती है आपको Adobe Photoshop वाली मिलती है, जिसकी मदद से आप बेहतरीन तरीके की फोटोग्राफी को एडिट कर सकते हैं एकदम से DSLR लाइक एंड PC एडिट की तरह। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे एप्लीकेशंस पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। होप करता हूं आपको ये सारे इंफॉर्मेशन पसंद आए होंगे, और ज्यादा जानकारी चाहिए आपको इन कैमरों के रिलेटेड में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज में हम आपको इन कैमरों की लार्ज वीडियोज देंगे। धन्यवाद।